बिहार विधानसभा के लिए 28 अक्टूबर को प्रथम चरण का चुनाव होना है। पहले चरण की 71 सीटों पर होने वाले चुनाव में कई राजनेताओं ने अपने पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। कुछ निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े हैं। कई राजनीतिक दल ने अपने वर्तमान विधायकों तक का टिकट काट दिया है, जिससे उनमें नाराजगी है। या फिर ये वैसे नेता हैं जिन्हें उम्मीद थी कि इस बार पार्टी उन्हें टिकट देगी, मगर उन्हें टिकट नहीं मिला। जमुई जिले की जमुई विधानसभा सीट से पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर इस बार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के टिकट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री और राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण विजेता अंतर्राष्ट्रीय शूटर भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के विरुद्ध चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। श्रेयसी पहली बार चुनावी रणभूमि में अपनी पारी का आगाज कर रही हैं। इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जय प्रकाश यादव के भाई और वर्तमान विधायक विजय कुमार यादव फिर से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सत्ता संग्राम में अपना जौहर दिखाने जा रहे हैं। 2015 में राजद प्रत्याशी यादव ने भाजपा के अजय प्रताप को लगभग 8000 वोटों से पराजित किया था। जमुई जिले की चकाई सीट से नरेंद्र सिंह के ही बेटे सुमित कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं और जदयू प्रत्याशी पर ही सियासी तीर चला रहे हैं। जदयू ने संजय प्रसाद को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। साल 2015 में राजद के टिकट पर वर्तमान विधायक सावित्री देवी फिर से ताल ठोक रही हैं। 2015 में राजद प्रत्याशी सावित्री देवी ने निर्दलीय उम्मीदवार सुमित कुमार सिंह को लगभग 12000 वोटों से हराया था। बाद में सुमित सिंह भी जदयू में शामिल हो गए। बक्सर जिले की डुमराव विधानसभा सीट से जदयू ने पार्टी की प्रवक्ता अंजुम आरा को उम्मीदवार बनाया है, जो पहली बार चुनाव मैदान में है। वहीं जदयू से टिकट नहीं मिलने से नाराज वर्तमान विधायक ददन सिंह यादव उर्फ ददन पहलवान निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी अखाड़े में है और जदयू प्रत्याशी अंजुम आरा को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने साल 2015 के चुनाव में जदयू के टिकट पर चुनाव करीब 30000 वोट से जीता था। महागठबंधन की ओर से भाकपा माले प्रत्याशी अजीत कुमार सिंह पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं डुमराव से महाराज कमल बहादुर सिंह के पौत्र शिवांग विजय भी निर्दलीय चुनाव लड़कर मुकाबले को रोचक बनाने में जुटे हैं। लाइव सिटीज से मैं शादाब मलिक, देखते रहे हमारा वीडियो। हम देते रहेंगे बिहार राजनीति से जुड़ी जानकारियां। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।